हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स शुरू किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हमने प्लांट्स में पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, ये बनते हैं और ये स्मॉल अमाउंट में बनते हैं, लेकिन ये डिफ्यूजन मेथड से प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचते हैं। इन्हें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं, यानी ये प्लांट हार्मोन्स के नाम हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का वर्क करते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एप्सिसिक एसिड, इथाइलिन एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो इनके बारे में, ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में एक एक करके इनके फंक्शंस हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ रहे हैं। ये ऑक्सिन के एग्जाम्पल हैं डिफरेंट। ऑक्सिन का जो मेन फंक्शंस हैं, ये है सेल इलोंगेशन, यानी ये प्लांट की सेल को, साइटोप्लांट को इंक्रीज करके सेल को इलोंगेट करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। सेकंड, रूट इनिशिएशन, यानी ये प्लांट में रूट इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि इफ द एपिकल बड इज रिमूव, यदि हम एपिकल बड को हटा दें तो लेटरल बड स्प्राउट हो जाती है, लेटरल बड साइड से निकलने लगती है। और सो स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स बाय द टर्मिनल बड, यानी टर्मिनल बड से जो लेटरल बड्स निकलती हैं, एपिकल बड, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के एपिकल जो बड है इसको कट कर दिया जाए तो लेटरल बड्स निकलने लगती है, इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी में भी ये हार्मोन हेल्प करता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरह से सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। साथ में इसका जो फंक्शन है, लीफ एंड फ्रूट फॉल, यानी समय से पहले जो लीफ और जो रूट फॉल हो जाती है, तो इनके कारण ये इसको फॉल होने रोने रोकती हैं, ये कंट्रोल करती हैं, समय से पहले लीफ और फ्रूट को गिरने से रोकती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो ये मेन फंक्शंस थे ऑक्सिन हार्मोन्स के। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन हार्मोन, इसे काइनेटिन हार्मोन भी कहते हैं। और इसके मेन फंक्शंस है सेल डिवीजन। सबसे मेन जो फंक्शन है, ये सेल को, सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये सेल के एनलार्जमेंट में, सेल को एनलार्ज करने में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साथ में ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का मतलब है कि सुप्त अवस्था में जो सीड्स होते हैं, जो जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उन अगर साइटोकाइनिन के स्प्रे करने से ये डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह से डिलेइंग ऑफ एजिंग, यानी कि एज बढ़ने से रोकने के लिए प्लांट पर इसका अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये एजिंग को रोकता है, डिले कर देता है। रूट एंड शूट इनिशिएशन एंड देयर ग्रोथ, यानी ये रूट और शूट इनिशिएट में हेल्प करते हैं, साथ में ये उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शंस थे साइटोकाइनिन हार्मोन्स के। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स के मेन फंक्शंस हैं इलोंगेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी के बारे में अभी मैंने बताया था कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है ये हार्मोन। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। साथ में ये बोल्टिंग में हेल्प करता है। बोल्टिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई सघन प्लांट है, तो अगर इसका हम स्प्रे कर देते हैं तो वो, जैसे कैबेज है, तो कैबेज पर स्प्रे कर दें तो कैबेज की सारी जो लीव्स हैं वो लंबी प्लांट बन जाता है, तो ये कहलाता है बोल्टिंग। एप्सिसिक एसिड जो फोर्थ हार्मोन है, एप्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, ये है ग्रोथ इनिबिटर, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, इनिबिट करने का वर्क करता है। उसके मेन फंक्शन है बड डोरमेंसी, बड्स को डोरमेंट बनाने में हेल्प करता है, यानी इसका स्प्रे कर दें तो बड्स आगे प्लांट में जर्मिनेट नहीं होती है, डोरमेंट स्टेज में ही रहती हैं।
इनहिबिटिंग ऑफ ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है. प्रमोट्स लीफ सेनेसेंस. लीफ सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है कि जीर्णशीर्ण अवस्था, जिसको कहते हैं कि जिसमें कि डिकेइंग ज्यादा होता है, तो ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है. लीफ को जल्दी झड़, यानी ये लीफ के एक तरह से पीला पड़ जाती है जिसके कारण लीफ, जिसके कारण कि ये लीफ जल्दी फॉल हो जाती है. फेवर्स स्टोमेटल क्लोजर, यानी जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, क्लोज करके रखता है. तो ये थे फंक्शन एब्सिसिक एसिड के, और एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है. बाकी सभी को ग्रोथ प्रमोटर्स कहा जाता है. नेक्स्ट जो हार्मोन आता है इथाइलिन हार्मोन, और इथाइलिन हार्मोन का जो मेन फंक्शंस हैं, इट हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ, यानी ग्रोथ के पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है. इनहिबिटरी वाला ग्रोथ को इनहिबिट करता है. इट इंड्यूसेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट सबसे मेन जो फंक्शन है इसका, कि ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट के पकने में हेल्प करता है. इट इंड्यूसेस एपिनेस्ट्री ऑफ लीव्स, यानी एपिनेस्ट्री ऑफ लीव्स का मतलब डाउनवर्ड बेंडिंग, यानी कि ये लीव्स को डाउनवर्ड बेंडिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट इट स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. इथाइलिन स्टिमुलेट एब्सीजन ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट. एब्सीजन का मतलब होता है कि एक पीली सी परत बन जाती है, जैसे यहाँ पर लीव्स निकल रही है, तो यहाँ पर एक येलो कलर की एक एब्सीजन लेयर बन जाती है, जिसके कारण की लीव्स पीली पड़ जाती हैं और जल्दी से फॉल डाउन हो जाती है. तो ये एब्सीजन को स्टिमुलेट करता है. इट ब्रेक्स द डैमेजिंग ऑफ सेवरल प्लांट्स ऑर्गन्स, यानी कि ये प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डैमेज होने से रोकता है. इट इंड्यूसेस रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट के रूट से जो रूट हेयर्स निकलते हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, इंड्यूस करता है रूट हेयर फॉर्मेशन को. तो ये सारे फंक्शंस थे इथाइलिन के. तो हमने आज पढ़ा है, हमने कंप्लीट किया है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन में हमने मूवमेंट पढ़ लिया, प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स होती हैं उनके एग्जांपल्स के साथ हमने कंप्लीट कर लिया. साथ में हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में केमिकल्स के थ्रू जो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, फंक्शंस होते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था. और हमने पढ़ा था कि प्लांट हार्मोन्स एक पर्टिकुलर बहुत कम अमाउंट में, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये हार्मोन्स, और ये बहुत कम अमाउंट में प्लांट के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलीज होते हैं, और ये डिफ्यूजन मेथड से ये प्लांट के सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम प्लांट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.